अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की वीडियो बहुत है इम्पोर्टेंट, अहम होने वाली है इस हवाले से कि इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किए जाने वाले हैं। इस वीडियो को आप लाजिम एंड तक देखिएगा। रीज़न ये है कि जो पढ़ता हुआ हमें फेल का रेशो नज़र आ रहा है वो इंतहाई हद तक ज़्यादा हो गया। हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि 70-80% स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं। वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो इग्नोर करते हैं और इतना इजी जैसे एग्जाम को ये लोग फेल कर देते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मुझे बहुत से कलीग्स ने, फ्रेंड्स ने, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा से, पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें इतनी टेक्निकल चीजें हमने डिस्कस नहीं की थी जो अभी हमने देखी। स्टूडेंट से जो फेल हो गए हैं, स्टूडेंट्स जो रेफर हो गए, हम उनसे पूछा कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की। वो सारी मिस्टेक्स अपने सामने रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें, गलतियां ना करें और कहीं आप भी उस रेफर के केस में ना फंस जाए। तो हमें क्या करना चाहिए अभी हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस को और सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट को आप बहुत गौर से देखिएगा। इस पार्ट की वजह से बहुत से लोग फेल हो गए, तो सेकंड पार्ट के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट टिप है जी, टू रीड हनी बोश IGC सिनेरियो बेस्ड पेपर इफेक्टिवली। यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। निवोश के जो पेपर है, सिनेरियो से कैसे पढ़ना है और ये टिप्स आपके सामने हैं। क्या है ये टिप्स, अभी देखते हैं। मैनेज योर टाइम। सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसको पहले आपको प्रैक्टिस करना है इस टाइम को। अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएगी कि 24 घंटे हैं, इतना टाइम गुजर गया है, कैसे हो गया है, जैसे हो गया है। तो आपने उस वाली सिचुएशन में नहीं जाना है, परेशानी वाली सिचुएशन से खुद को बचाना है। टाइम को कैसे मैनेज करना है आपको, आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है पेपर की। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, लाजिम आप मॉक टेस्ट दीजिए तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी देर में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और आप उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो इंस्ट्रक्शन आपके पेपर पे दी गई हैं, इसे पहले जैसे इंस्ट्रक्शन ना समझिए आप। हो सकता है कि इस मरतबा कुछ चेंज हुआ हो। आप लाजिम उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें जो निबोश ने इंस्ट्रक्शन उस पेपर के ऊपर दी हुई है आपके लिए। फेमिलराइज योर सेल्फ विद द फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट के साथ में फेमिलराइज होना है। निबोश सिनेरियो बेस्ड पेपर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ केस स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि जो निबोश का पेपर है ये एक केस स्टडी है। एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसके बारे में ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि किस किस की नेग्लिजेंस थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या मिस हैंडल हो गया वहाँ पे सिचुएशन में। वो सारी चीजें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं आपसे और आपने उसे अच्छे से रीड करना है, अच्छे से देखना है पूरे पेपर को ताकि आप फेमिलियराइज हो जाएं। और जब आप अपने क्वेश्चन लिखें तो आप वही कुछ लिखें जो निगोश आपसे चाह रहा है। रीड द सिनेरियो केयरफुली। आपको सिनेरियो को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए। कैसे आपको रीड करना चाहिए, आपको कम से कम 3 मरतबा पढ़ना चाहिए सिनेरियो को। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको लाजिम आप सर्च करके आप देख लीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो वर्ड्स। अगर आप उन्हें नहीं सीखेंगे तो आप बहुत सी चीजें मिस कर जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वहां पे सिनेरियो में क्या बताया जा रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं समझ आ रहा है। पे क्लोज अटेंशन टू एनी हैजर्ड रिस्क और पोटेंशियल इंसिडेंट्स दैट आर डिस्क्राइब्ड। आपको ये 3 चीजें, हैजर्ड, रिस्क और पोटेंशियल इंसिडेंट्स जो वहां पे हो रहे हैं, जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे इसको प्लीज आप सेपरेट में लिखते रहिए। आप एक जगह पे नोट्स बनाते रहिए कि आप जहां जहां पे खतरात देख रहे हैं उसको अलग अलग में लिखते रहिए
और जो जो पोस्ट, दो चीजें आपने लिखते जानी है, जो पोस्ट वहां पे यूज हो रही है किसी भी सीनियर के लिए वो आपने लिखना है, इंजीनियर को क्या कह के बुलाया जा रहा है, वर्कर को क्या कह के बुलाया जा रहा है, जो वर्क सीन है जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है उसको क्या कह के बुलाया जा रहा है, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो एरिया को क्या कह के बुलाया जा रहा है, इनको सेपरेट से आप लिख लीजिए। एनालाइज द क्वेश्चंस, एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली टू डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग आस्क्ड फॉर। आपने बहुत गौर से देखना है कि उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और सेकंड में उसका नोट आपने बहुत गौर से पढ़ना है। समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ और है, उसका नोट उसको बिल्कुल चेंज कर देगा, नोट में क्या पूछा जा रहा है वो समटाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने दोनों चीजों को बहुत गौर से देखना है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द वर्डिंग्स ऑफ ईच क्वेश्चन एंड व्हाट इज स्पेशली आस्क फॉर। आपने वर्डिंग को, जैसे मैंने पहले बता दिया है आपको, पहले हम इसको सीख चुके हैं कि कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसके मीनिंग का क्या निबोश एक्चुअली में आपसे पूछना चाह रहा है, आपको 100% मालूम होना चाहिए जी। यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द सिनेरियो टू आंसर द क्वेश्चन। मेक श्योर यू रीड सिनेरियो केयरफुली टू इंश्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट डिटेल। आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं है, आपने डिटेल में उसे पढ़ना है। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, कुलीग हैं, वो क्या कर रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी कि वो हाईलाइट कर रहे थे मार्कर के साथ इंफॉर्मेशन को, कि यहाँ पे क्या नई इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन आ गई। उन्होंने बहुत से मार्कर अपने पास में रखे हुए थे, जो हैजर्ड था रिस्क का उसको रेड के साथ में ऐसा करते जा रहे थे, जो वायलेशन हो रही थी, जो अनसेफ एक्ट था, अनसेफ पोजिशन थी, जो रूल को ब्रेक किया जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ उसको कर रहे थे। अगर आप सेपरेट सेपरेट से लिखते रहेंगे वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, कि क्या आप अनसेफ देख रहे हैं उसे अलग से लिखते रहे, जो सेफ है उसे अलग से लिखते रहे, जो इमरजेंसी प्रोसीजर के हवाले से पॉइंट्स है उनको अलग से लिखते रहे, जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और वो ब्रेक हुई उसको आप अलग से लिखते रहे, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा जी। आप 70-80% मार्क्स ले लेंगे इस प्रैक्टिस से। आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन कोई पार्ट छोड़ने के लिए आपको अलाउ नहीं है, आपने 100% पेपर को सॉल्व करना है। चेक योर आंसर्स, वंस यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन गो बैक एंड चेक योर आंसर्स। मेक श्योर दैट यू हैव answered each question fully and that your answer are clear and concise. एक मर्तबा आपको लाजिम जवाब लिख चुके हैं, सारा पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आपको लाजिम उसे गो थ्रू करना है, देखना है कि कोई चीज मिस तो नहीं होगी जो आप लिखना चाह रहे थे, जो आप आइडिया बना के बैठे हुए थे हर क्वेश्चन के बारे में, आपने वो आइडिया डिलीवर कर दिया है, लिख दिया है उसमें। यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। बहुत से लोग हमारे मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, एक पॉइंट में एक क्वेश्चन में बुलेट बना दिया, एक में हेडिंग बना दी, एक में नंबर दे दिया, एक में कैसा कर दिया, जैसा कर दिया वैसा कर दिया, तो ऐसा ठीक नहीं लगता है। आपको क्या करना चाहिए, एक ही फॉर्मेट यूज कीजिए। अगर आप बुलेट बना रहे हैं तो सबके बुलेट बनाइए, अगर हेडिंग्स बना रहे हैं तो सबकी हेडिंग्स बनाइए, अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो वही वही चीज को आप कीजिए, नंबर आप दे रहे हैं तो उसे ही एक ही पैटर्न को फॉलो कीजिए, हर क्वेश्चन के साथ में इसको चेंज ना कीजिए फॉर्मेट को। प्रैक्टिस 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 सबकी ये रिक्वायरमेंट है, नहीं वो सबकी रिक्वायरमेंट है, हम आपसे ये बोलते हैं, सब आपको यही समझाएंगे, प्लीज आप कम से कम 5 मरतबा मॉक टेस्ट लाजिम दीजिए, 5 पेपर निगोश के लाजिम सॉल्व कीजिए। मेरी वीडियोज हैं इसके हवाले से कि कैसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए, मैं बहुत डिटेल में बताया हुआ है, कैसे मैंने खोल खोल के बताया है हर चीज को, निगोश के पेपर को। आप जब 5 मरतबा 6 मरतबा 7 मरतबा निगोश का पेपर दे लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा निगोश के सारे पेपर एक जैसे हैं, हर मरतबा सिर्फ सिनेरियो चेंज कर देता है। सिनेरियो कैसे, स्कूल का सिनेरियो दे देता है, कॉलेज का दे देता है, मेडिकल किसी यूनिवर्सिटी का, किसी क्लिनिक का दे देता है, सिविल कंस्ट्रक्शन साइट को ले आता है, ऑयल एंड गैस को ले आता है, जो उसका वे है बात करने का वो हमेशा एक जैसा ही है। पहला पैराग्राफ में जो बातें बताएगा सब में एक जैसी है, इंट्रोडक्शन देगा, दूसरा पैराग्राफ में स्टाफ के बारे में बताएगा, कौन सा नया स्टाफ है कौन से पुराने हैं,
तीसरे पैराग्राफ में जब आप कर चुके होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो सब एक ही जैसा ही है, इसका कुछ भी चेंज नहीं हो गया है, सिर्फ साइट ही चेंज हो रही है हर मरतबा। आपको एक मार्क लेने के लिए एक बुलेट पॉइंट में 30 वर्ड्स लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप, 33 कर सकते हैं या 27 कर सकते हैं, इससे ज्यादा कम ना कीजिएगा आप। आपको 100 मार्क लेने के लिए 3000 वर्ड्स लिख सकते हैं जी पेपर में, प्लस माइनस 10 करके, 10% उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो वो 33 हो जाएंगे मैक्सिमम, और कम से कम 2700 हो जाएंगे। ठीक है जी, 3300 से ज्यादा करेंगे तो निबोश आपको कंसिडर नहीं करेगा, आपके पेपर को कंसिडर नहीं करेगा। इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा आप, अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो होके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। अगर आप और मिस्टेक्स करते रहेंगे तो और हो सकता है कि निबोश आपको रेफर कर दे। तो लाजिम इन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़िए, इनको बार बार सुनिए, मैसेज को बार बार देखिए इसे, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। जो इसका अभी सेकंड पार्ट है उसके तरफ हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम प्रैक्टिकल टिप के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं टू अवॉइड प्लेजरिज्म, कि आपके ऊपर प्लेजरिज्म ना आ जाए तो हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, हमें क्या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो अभी हम देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं कि आपके ऊपर प्लेजरिज्म ना आ जाए, आप प्लेजरिज्म में कहीं फंस ना जाए। तो आपने क्या करना है, लिमिट एग्जाम एक्सेस टू लैपटॉप ओनली, कि आपका जो लैपटॉप है उस पर सिर्फ आपका पेपर होना चाहिए बस। इसके ऊपर आप आपका व्हाट्सएप ना खोलिएगा, गूगल ट्रांसलेट ना खोलिएगा, दूसरी कोई भी सोर्स उस लैपटॉप के ऊपर ना खोलिएगा। हाँ, आप खोलना चाहते हैं, आप हेल्प लेना चाहते हैं, एक दूसरा लैपटॉप होना चाहिए, उसके ऊपर दूसरा वाईफाई होना चाहिए, सेम वाईफाई के ऊपर ना खोलिएगा, दूसरा वाईफाई डिवाइस के ऊपर वो खुले तो उसके ऊपर आप जाके सारी हेल्प आप ले सकते हैं। इसके ऊपर कोई चीज ना खोलिएगा आप जिसके ऊपर आपका पेपर खोल के बैठे हुए हैं। यूज अ सेपरेट मोबाइल डिवाइस, इंपॉर्टेंट है जी। आप अगर अपने किसी फ्रेंड से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जिस मोबाइल के ऊपर आप हेल्प ले रहे हैं वो आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपका नंबर रजिस्टर है निबोस साहब के पास, वो आपका मोबाइल को देख रहा है, तो जो दूसरा मोबाइल हो वो आप वाला और उसका वाईफाई सेम नहीं होना चाहिए, वो किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो, किसी और बंदे का हो, घर में फैमिली मेंबर का किसी का भी होना चाहिए, तो उस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, उसे रीड कीजिए, उसे दूसरे लैपटॉप पे खोलिए, वहां पे आप और सेपरेट रखिए उसे, उसका वाईफाई कनेक्शन भी सेपरेट होना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, कोई भी चीज आप कॉपी करके आप निबोश की शीट के ऊपर पेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अपनी भी कॉपी करके किसी को आप सेंड ना कीजिए प्लीज, कॉपी पेस्ट को अवॉइड कीजिए। अपना काम कीजिए आप, अपना जो आप आइडिया ले कहीं से भी, कोई आपको सोर्स दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे अपना प्रैक्टिस में अपना आइडिया के साथ लिखिए, आप अपने वर्ड में लिखें, आपका साथ में एक ट्रेंड एग्जामिनर होना चाहिए जो आपको सारी चीजों के बारे में आपको गाइड करता रहे पेपर से पहले भी, और अगर वो अवेलेबल है आपके पास में, अगर आप इंस्टीट्यूशन में बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं तो भी आपको वहां पे एडवाइस करता रहे, गाइड करता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मेरे कुछ कुलीग है, कुछ फ्रेंड है जिसके साथ में ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि उन्होंने क्या किया कि पेपर सॉल्व करवाया, हेल्प की, तो करने के बाद में उनके पास में जो मीडियम था, जो भी उनके पास में था, उन्होंने सारा लेक्चर दे दिया यूट्यूब पे, तो क्या हो गया, उनके जितने भी कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, सबके सब फेल हो गए, क्योंकि तो वो तो पूरा उधर ही आ गया। तो सेम आइडिया उन्होंने वो शेयर किया हुआ था आगे पीछे करके अपने स्टूडेंट के साथ में, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है अगर आप यूट्यूब पे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज पेपर तक, पेपर रिजल्ट तक आप वेट कीजिएगा, 70 70 डेज, 70 डेज तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, ना व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी शेयर ना कीजिएगा।
ये इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है आपके स्टूडेंट के रिजल्ट में पता चल जाएगा। फिर हो सकता है कि उनको प्लेजरिज्म आ जाए, बैन हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए उनके साथ में। अवॉइड कीजिएगा। कीप योर वर्क कॉन्फिडेंशियल। आपने क्या करना है, अपने वर्क को कॉन्फिडेंशियल रखना है। प्लीज किसी के साथ में शेयर ना कीजिए आपके वर्क को, आपके आइडिया को। हो सकता है कि जो आपसे ले रहा है इंफॉर्मेशन, वो इतना उसे मालूम नहीं है इन टिप्स के बारे में, मालूम नहीं है जो आपसे शेयर की है। वो आगे किसी को शेयर कर दे, वो उसे जाके यूट्यूब पे चढ़ा दे, फेसबुक पे कर दे, या व्हाट्सएप के ऊपर किसी के साथ शेयर कर दे और उसे निगोश पकड़ ले और आपके ऊपर प्लेजरिज्म आ जाएगा, आप रेफर हो सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए, प्लीज अवॉइड कीजिए। किसी को अपना काम आप शेयर ना कीजिएगा, किसी के साथ में आप ना कीजिएगा, कोई भी चीज़ अपनी शेयर ना कीजिए किसी के साथ में भी। होप आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, सिंपल चीजें हैं। इनको मजीद समझने के लिए एक दो मरतबा आप लाजिम देख लीजिएगा, ताकि आप प्लेजरिज्म में और रेफर वाली साइट पे ना चले जाएं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू पास योर निगोश क्लोजिंग इंटरव्यू। इसमें भी आपसे इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निगोश का क्लोजिंग इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।